हेलो दोस्तों, कैसे हो यार आप सभी। तो आज अपने इस वाले वीडियो में कोई इंट्रो नहीं होगा, क्योंकि यार आज अपन खेल रहे हैं इविलन का मास्क। जब अपन ने कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद क्या होगा वही अपन आज खेलेंगे। मतलब हो सकता है कि यार ये एंड वीडियो एंड इविलन खेलने में भाई बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। हो सकता है आपको देखने में भी मज़ा आ रहा हो, पर मुझे खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो यार आज देखते हैं क्या करना है एंड में। एंड आज अपन बच्चों को बचाएंगे। तो हम आ चुके हैं स्कूल में और सबसे पहले मैं ढूंढ रहा हूँ ग्रेल, जो कि हमें नीचे लगानी होती है, और ग्रेल मुझे यहीं पर मिल गया। तो यार ग्रेल उठा लेते हैं। एंड ये वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, तो यार आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर आपको देखना है कि क्या हुआ एंड में एंड क्या नहीं हुआ, तो आप देख सकते हो यार एंड तक। वैसे यार मैं तो बहुत दुखी हूँ यार, इसका एंड आ गया आखिरकार गेम का। तो चलिए ग्रेल हमने लगा दी है। एंड इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद गई एक सीधी लाइट मास्क पर गई। तो देखते हैं अब यार क्या होना है। तो मास्क के पास जाके देखता हूँ, शायद अब हम मास्क को यूज़ कर सकते हैं। तो यार अगर आपको पहले की 6 स्टोरीज़ नहीं पता है जो मैंने पहले मास्क पीस कंप्लीट किए थे, तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट्स में दे दूंगा, साथ ही इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए ऊपर जाने के राउंड गोल घूम गया है। एंड उसके बाद ये मास्क मेरे ख्याल से देखिए किसी पावर से जुड़ गया है, तो इस मास्क को हम ले लेते हैं। तो अब हमने भी मास्क पहन लिया और अब जाते हैं इस गोल में से। तो नीचे क्या है, नीचे एक बच्चा सो रहा है यहाँ पर, तो हमें जाना है यहीं पर ही। तो हम जाते हैं यार यहाँ पर, देखते हैं करना क्या है। तो ये है वो जगह नीचे की लॉन्ड्री रूम के नीचे का रूम, यही है जो नहीं खुलता था पुरानी अपडेट्स में। देखिए इन बच्चों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है दोस्तों। यही वो बच्चे हैं जो स्टोरीज लिखते थे, इनमें से जो बच्चा था वो स्टोरी लिखता था। अगर आपको नहीं पता है स्टोरीज हिंदी में, और इस बच्चे को क्या हुआ है यहाँ पर, हुआ क्या है ऐसे, देखिए इसके बारे में भी उसने बताया था स्टोरी में। तो ये स्टोरी सारी मैंने पुराने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, एंड इस मास्क की स्टोरी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। तो यार आप जाके वहाँ से देख सकते हो। एंड एक बात और यार, ये रहा वो कमेंट, इन्होंने सही जवाब दिया था कोकोनट या नारियल, जो कि हमारी अगली पहेली का जवाब था। तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन कि इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, एंड इनका कमेंट हमने वीडियो में दिखाया है। तो अगर यार आप भी चाहते हो अगर कमेंट दिखाया जाए वीडियो में, तो ये रही यार पहेली। एंड इसको तो आप सॉल्व कीजिए अगर आप इसका सही जवाब देते हैं सबसे पहले, तो यार आपका कमेंट भी दिखाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। मुझे तो इस जिसकी गर्दन टेढ़ी है, इस बच्चे की, इस पर थोड़ा शक हो रहा है। यहीं पर वो बच्चा सो रहा था ऊपर, तो मैं पूरे गेट खोल के इधर उधर देख रहा हूँ भाई, करना क्या है इसमें, कुछ समझने में आ नहीं रहा। और ये बच्चा भी अब देखिए वहीं पर रुक चुका है, ये रहा वो बच्चा। तो देखिए जैसे ही मैं इसके पास जाता हूँ ये चलना स्टार्ट कर देता है, ये बात तो मैंने नोटिस की है। तो हम जाते हैं यार इसके पीछे पीछे। और ये क्या, देखिए ये बैठा, तो इसमें से पासवर्ड निकला यार 8165 8165। तो यार ये पासवर्ड निकला है तो गजब हो गई यार। तो मुझे लगता है कि इसी गेट में ये पासवर्ड डलेगा, क्योंकि और पासवर्ड डालने की चीज़ नहीं है। तो देख लेते हैं यार एक बार डाल के। एंड जी हाँ, ये गेट खुल चुका है इस पासवर्ड से। तो यार बिल्कुल सही था। अब करना क्या है देखते हैं। यहाँ पे शायद कुछ चाबी पड़ी हुई है और यहाँ पर एक घंटी है। इफ़ यू कट दिस वायर, यानी कि मैं समझ गया, तो हमें यहाँ की वायर है जो उड़ानी है। तो वायर कट करने के लिए यार कटिंग की तो इसमें सिर्फ एक चीज़ आती है, वो है कैंची। एंड कैंची मिलती है हमें लॉकर कोड से। तो लॉकर कोड ढूंढते हैं सबसे पहले तो दरवाज़ा खोल लेता हूँ। एंड यहाँ पर क्या रखा हुआ है, क्रोबार। ये देखिए फैन आर्ट, ये जो ट्विटर पे बताया था इविलन वालों ने कि भाई जो भी अच्छी पेंटिंग बताएगा उसका फैन आर्ट हम दिखाएंगे। तो यही उन फैन आर्ट्स में से एक है, आप देख सकते हैं इविलन खिल के। एंड इसकी अपडेट आने वाली है, इसकी भी मैंने न्यूज़ आपको पहले ही दे दी थी, पर यार क्या करूँ उस वाले वीडियो में ग्लिच हो गया पता नहीं। एंड 2 दिन में जाके वो वीडियो सही हुआ, तो आप मेरे ख्याल से देख नहीं पाए। एंड उस पर व्यूज़ भी कम रह गए यार इस वजह से ही, वरना मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था वो वाला वीडियो। तो चलिए हमें लॉकर कोड मिल गया है, एंड लॉकर कोड को हम डालते हैं। और क्या निकली भाई, सीजर निकली यार। सीजर की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, उस वायर को काटने में ज़रूरत पड़ेगी और कहाँ पे पड़ेगी। तो चलते हैं यार एंड इस वायर को काटते हैं। तो इतना लीजेंडरी गेम भाई, बहुत मज़ा आया खेलने में। आप सभी के साथ ये बोलना चाहूँगा जो हमने पहले मास्क पीस कंप्लीट किए थे, यार बहुत मज़ा आया था। एंड मुझे लगता है अभी ये गेम यहाँ पर एंड हो चुका है, जहाँ तक मुझे पता है कि इसकी ये लास्ट अपडेट थी, क्योंकि एंडिंग सीन तो बता दिया है। हालांकि अगर ये चाहें तो आगे बना सकते हैं गेम को, लेकिन मुझे लगता है अभी ये यहीं पे रखेंगे गेम। तो
हम बाहर जाके देख रहा हूँ मैं इधर उधर होता क्या है। यहाँ पर मुझे कुछ नया बोर्ड दिख रहा है। बिफोर कंटिन्यूइंग मेक श्योर। अच्छा, तो अपन को ये श्योर करना है कि वो जो छोटी वाली नन आती है उस गाड़ी में बैठ के, तो वो उठ नहीं पाया दोबारा। तो ठीक है, तो वो नन कैसे उठती है? वो नन तभी उठती है जब घंटी बजती है। इसके पीछे का मैं आपको पूरा बता देता हूँ क्या मैकेनिज्म काम करता है। वो नन आती है, कपड़े इधर जो आप बगल में मशीन देख रहे हैं इसमें डालती है एंड इस कुर्सी पे आके सो जाती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कुछ नहीं होता। जब घंटी बजती है, यानी कि वो बच्चे नीचे से कपड़े धो के ऊपर डाल देते हैं, घंटी बजती है एंड वो छोटी नन उठती है। ये रहे वो बच्चे। तो देखिए, ये कपड़ों की यहाँ पर धुलाई हो रही है एंड ये क्या है? वुड प्लैंक। मुझे लगता है इसके अंदर भी कुछ है। तो इसे हटाने के लिए मैं क्रोबार चाहिए होगा, क्योंकि दोनों तरफ कीलें ठुकी हुई है। तो कील निकालने के लिए यार सिंपल सा क्रोबार यूज़ करेंगे। क्रोबार अभी अपन ने देखा ही था, ऊपर गए थे। तो ये रहा क्रोबार एंड क्रोबार को ले चलते हैं। तो यार मास्क पीस में तो बहुत मज़ा आया मुझे एंड बहुत अच्छा गेम है भाई विलन। तो इन्होंने बग और ग्लिच सब कंट्रोल किया है। हो सकता है इस अपडेट में थोड़ा सा हो रहा है क्योंकि अभी ये अपडेट ही हुआ है। तो वुड प्लैंक हटा दिया एंड इसके नीचे से क्या निकला भाई? फ्यूल टैंक। ओके, तो मैं समझ गया। तो यहाँ पर देखिए, आपको दिखाता हूँ, ये बच्चे कपड़े धो रहे हैं यहाँ पर, पूरी की पूरी आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से कपड़ों की धुलाई होती है जो वाली नन लेके आती है। देखिए दोनों बच्चे, इधर भी कपड़ों की धुलाई हो रही है एंड इन कपड़ों को पीछे सुखाया जाता है। वो देखिए, वो सूख रहे हैं, उन्हें बच्चे लेके यहाँ से जा रहे हैं। और इधर जो ये आग है, ये है प्रेस। ये देखिए, यहाँ पर प्रेस रखी हुई है, तो यहाँ पर प्रेस की जाती है कपड़ों की। और ये पता नहीं क्या है, शायद खाना पड़ा हुआ है कुछ थोड़ा सा टेबल पर। एंड ये ही मैकेनिज्म है जो ऊपर जाता है। और उधर गत्ते के पीछे अभी आपको मैंने दिखाया था, क्राफ्टर्स बॉय था उसके पीछे, वो बच्चा जो हमारे लिए सारी चीज़ें बनाता था, चाहे हो गन, चाहे हो शूज, चाहे वो डोल हो फूटने वाली, सब उस बच्चे ने बनाई थी। तो यार यही है यहाँ पर। अभी मैं वेन का इंतज़ार कर रहा हूँ, यहाँ पर शोवल रखा हुआ है, पर शोवल का क्या काम है? क्योंकि मुझे तो अभी तक यही पता है कि यार उस बाहर अपन गए थे तो उस आदमी ने बोला था कि वेन आएगी एंड उस नन को अपन को सुलाना है। तो यार वेन अभी तक तो आई नहीं, अब आवाज़ आएगी तो मैं चलता हूँ। तो आवाज़ आ गई है, अब चलते हैं नीचे और जाके देखते हैं। यार खुल जा सिम सिम, जल्दी खुल जा भाई। एंड खुल गया, तो ये आ गई भाई नन। अब देखिए क्या करेगी। जैसा कि मैंने आपको इसके पीछे का मैकेनिज्म पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर कपड़े डालती है, फिर से ये जाएगी वहीं पर, इन कपड़ों को डालेगी। तो यार ये दोनों नन है, इसे अच्छी नन मत समझ लीजिएगा, ये भी बेकार नन है, क्योंकि देखिए ये भी बच्चों से काम करवा रही है। तो यार इसको भी तो थोड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ना, तो इसको सज़ा देंगे अभी। अब इसको ये ज़िंदगी भर सोती रहेगी बस, अब ये कुछ कर नहीं पाएगी। तो ये गई कुर्सी पे एंड ये इसके खर्राटे चालू, बस। अब देखिए दोस्तों, ये सो तो गई लेकिन अब ये ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं उठेगी, क्योंकि हमने बेल काट दी एंड ये तभी उठती है जब बेल बहुत ज़ोर से बजती है। तो अब यार ये ज़िंदगी भर वहीं सोती रहेगी। अब जाते हैं यहाँ, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पहले तो इसने बोला था कि वेन आएगी। तो यू आर रेडी, कम इन हियर। चलिए अंदर चलते हैं। अरे भाई, ये आदमी कौन है? यू आर रेडी, कम। मिस्टीरियस मैन है भाई। यू आर फाइनली हियर, आल दी चैलेंज, यानी कि इसने हमारे लिए चैलेंजेस रखे थे। और अभी बोल रहा है कि लॉन्ड्री से सब बच्चों को बचाने का टाइम आ गया है। तो भाई ये हमें बता रहा है कि मास्क में पावर भी है। अच्छा, तो देखते हैं क्या पावर है यार मास्क में। तो यार ये आदमी की समझने में नहीं आई। तो मेरे ख्याल से ये विलन अभी पूरा नहीं हुआ है, इस आदमी पे भी चैप्टर बनाया जा सकता है। तो हमने ब्लू प्रिंट ले लिया है, मास्क की पावर एक्टिव। और देखिए दोस्तों, मास्क में टेलीपोर्टेशन की पावर है। मैं टेलीपोर्ट कर रहा हूँ एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पर ये लाइन जा रही है। तो यार ये मास्क में तो सुपर पावर है भाई। तो अब चलते हैं यार, ये ब्लू प्रिंट देना है हमें क्राफ्टर्स बॉय को, जैसा कि उस अभी लंगड़े आदमी ने बताया था बाहर। अब मैं ये नहीं जानता कि वो है कौन, तो हो सकता है इसका नेक्स्ट चैप्टर आ जाए, कहना पक्का नहीं है। तो चलिए, क्राफ्टर्स बॉय को हमने दे दिया है। पता नहीं इसको क्या समझने में आया, पर ये बाहर जा रहा है तो हम भी बाहर चलते हैं यार, अंदर रहकर क्या करेंगे। देखिए ये क्या, अच्छा ये इशारे कर रहा है। और सब बच्चे, और देखिए सब बच्चे यहाँ पर, और वो बच्चा नहीं दिख रहा है यार, वो एक जिसकी गर्दन टेढ़ी थी यहीं पर बैठा था, उसने अपन को पासवर्ड दिया था। और देखिए सब बच्चे क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये कपड़े भर रहे हैं और कपड़े भर के यहाँ से निकल रहे हैं सारे के सारे बच्चे ऊपर। पर मुझे अभी तक वो बच्चा नहीं दिख रहा यार जिसकी गर्दन टेढ़ी थी,
वो थोड़ा पता नहीं यार, पागल सा बच्चा है, तो देखते हैं यार, उसे भी बचाना ज़रूरी होगा हमारे लिए। तो ये जग नहीं जाए इस बात का, मुझे ध्यान देना है, एंड इविलन ऊपर से ना ही आ जाए, वरना इविलन धो डालेगी भाई इन्हें। तो साइलेंटली धीरे धीरे आ जाओ इधर, आ जाओ। तो देखते हैं कितना है। तो नंबर वन आ चुका है यहाँ पर, एंड नंबर टू उसके पीछे है, और नंबर थ्री, और उसके बाद नंबर फोर, उसके बाद नंबर फाइव, नंबर सिक्स, नंबर सेवन, एंड नंबर एट, नंबर नाइन आ जाओ भाई, और नंबर टेन। उसके बाद क्राफ्टर्स बॉय आ गया है हमारे पास, और एक और बच्चा है, ये बहुत धीरे आ रहा है पीछे से, तो इसे भी आ जाने देते हैं। एंड मुझे यही ध्यान रखना है कि यार इविलन नहीं आ जाए पीछे से, वरना इनकी बैंड बजा देगी, इनको निकालना ज़रूरी है। अब क्या होगा, चलिए देखते हैं। अच्छा, तो वो देखिए वेन कहाँ चली गई है, वो जो हमारा दोस्त था जिसने जिसका पेड़ टूटा हुआ था, देखिए उसने वेन कहाँ लगा दी है वहाँ पे। तो अब वो मदद कर देगा उन बच्चों की। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि इविलन नहीं आ सके इनके पीछे से, एंड नीचे जाता हूँ, क्योंकि मुझे यार वो जिसकी गर्दन झुकी हुई थी वो बच्चा दिख नहीं रहा है कहीं पे, तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए मैं वापस नीचे जाता हूँ यार, एक बार देख लेता हूँ जाके कि है क्या वहाँ, सारी जगह देख आता हूँ, क्यों बच्चा तो मुझे दिखा नहीं। मैंने अभी गिना भी था आपके सामने, काउंट भी किया था, पर यार दिख नहीं रहा है वो बच्चा इधर। ये देखिए दोस्तों, इस अंधेरे में ये रो क्यों रहा है भाई बच्चा, इसके हो क्या रहा है। चलो चलो चलो, ये तभी चलता है जब मैं इसके पास होता हूँ यार। तो एक फ्यूल टैंक भी ले चलता हूँ, सकता है काम आ जाए अगर दिया है तो गेम वालों ने। तो चलो भाई, इस बच्चे को ले जाना पड़ेगा, अपन को इसके पीछे चलना पड़ेगा तभी ये चलेगा यार। क्या आपने देखा कि ये तभी चलता है जब आप यार इसके पास होते हो, वरना ये रुक जाता है। तो धीरे धीरे हम जा रहे हैं यहाँ से, इविलन को पता नहीं लगना चाहिए, वरना पड़ेगा भाई सिर पे बहुत जोर का हथौड़ा, और पूरा मिशन हो जाएगा फेल्ड, क्योंकि इन बच्चों को बचाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही है वो बच्चे यार जिन्हें इविलन ने परेशान करके रखा हुआ था। एंड इविलन ने क्या क्या किया, कैसे क्या करते हैं ये बच्चे, तो ये स्टोरी मैंने आपको पहले ही बता दी है। एंड लास्ट मास्क पीस की स्टोरी भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में, तो इसको खोल लेता हूँ। और ये नन तो उठेगी नहीं, देखिए बच्चा रुक जाता है अगर आप इससे दूर है, तो आपको इसके पास ही रहना पड़ेगा तभी ये चलता है। चलिए इसे मैं लेके जाता हूँ, एंड ये बटन से इसको क्लोज कर देते हैं भाई, इविल नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। जल्दी चलो, जल्दी 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 जल्दी, तो यार जल्दी से निकलते हैं एंड चलते हैं यार, बहुत तेज़ी करनी पड़ेगी। विलन का आ गई, क्योंकि मुझे इसे इस वैन के पीछे पहुंचाना है, फिर इसे वैन सेट कर देंगे तो ये विलन आ भी नहीं पाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम टेलीपोर्टेशन कर सकता हूँ, मेरे पास तो मास्क है। अरे भाई इस वैन को हटाओ यार, कोई कौन आ रहा है, कोई तो आओ। अरे अच्छा, वैन हट गई, तो देखिए वही आदमी है, वो लंगड़ा वाला आदमी, यही हमारी मदद कर रहा है यार। इसने वैन को हटा दिया, एंड वापस वैन को इसने लगा दिया। और ये बच्चे क्या कर रहे हैं पता नहीं, जाने क्या बना रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो कुछ। तो यहाँ ही गिरा देता हूँ अभी तो टैंक, ये कुछ सिल रहे हैं, समझने में नहीं आ रहा क्या सिल रहे हैं। तो ये जो नीचे से कपड़े लाए थे उसी को ये सिल रहे हैं। थोड़ा इस बच्चे को यहाँ से और आगे खिसका देता हूँ, एंड ये तभी चलेगा जब मैं इसके पीछे रहूँगा। तो अब टेलीपोर्ट करके उधर जाता हूँ, और टेलीपोर्टेशन की मैं पावर यूज़ करता हूँ, एंड ये हम उधर पहुँच गए टेलीपोर्ट करके। आप सबसे पहले इस गैराज को खोलते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बच्चों को हमने उधर पहुंचा दिया है। बच्चे मेन थे, क्योंकि इसमें तो मैं गोस्ट मोड में हूँ, तो ये विलन मुझे तो मार ही नहीं पाएगी, क्योंकि मैंने मास्क पीस इसमें कंप्लीट किए थे। अब नीचे चलते हैं, तो नीचे यार एक और फ्यूल टैंक था, उसको भी उठा के ले आता हूँ मैं। अब तो कोई बच्चा भी नहीं बचा है, एंड सब कुछ खाली है, ये भी चेक कर लिया हमने, कुछ नहीं बचा है। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं इस सिलेंडर को लेके, एंड इसके बाद देखते हैं यार क्या करना है। अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, मुझे लगता है आज हम इन बच्चों को बचा लेंगे इस केस से और इस खतरनाक है। देखिए इविलन यहाँ आ गई थी उन्हें मारने, उनकी बात सुन के, लेकिन वो नहीं जा सकती उधर क्योंकि हमने लगाई हुई है गाड़ी। तो यार यही है गाड़ी की पावर, अगर ये गाड़ी नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। तो दूसरे सिलेंडर को भी यार यहीं पर गिरा देता हूँ अभी तो। तो दोनों फ्यूल टैंक मैंने यार गिरा दिए हैं यहाँ पर, और ये बच्चे पता नहीं बलून जैसा कुछ बना रहे हैं शायद, दिखने में तो ऐसा लग रहा है। अभी पता लग जाएगा, इन्हें सिल लेने दीजिए, देखते हैं। और कि क्या किया है इन्होंने, जो वो घर था जिसमें अभी अपन अंदर गए थे, उस घर को उल्टा कर दिया है, एंड उसमें, और देखिए दोस्तों ये बलून ही है, यानी कि अब मैं समझ गया, अब हम हॉट एयर बलून है, तो सिंपल सी बात है फ्यूल टैंक लगेंगे।
इस बच्चे को मैं बाहर निकाल देता हूँ यार, वरना ग्लिच हो जाएगा गेम। तो चलिए ये देखिए, अभी ग्लिच हो जाता गेम क्योंकि ये बच्चा अंदर घुस रहा था। ये थोड़ा मेंटल ही है, आप जैसा कि जानते हैं बेचारे के पास दिमाग कम है। हाँ तो मेरे ख्याल से ये लगेंगे फ्यूल टैंक इधर। जी हाँ, ऑप्शन आ रहा है फ्यूल टैंक लगाने का, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो अब तो बेसिक सी नीड है कि हमें आग चाहिए होगी, आग से ही ये जलेगा एंड इसमें हवा भरेगी। यार क्या क्रिएटिविटी है मतलब बच्चों की, बच्चों ने इतनी जल्दी देखी क्या टैलेंट आ चुका है उन्होंने, में हॉट एयर बलून बना दिया उन लोगों ने, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बच्चे को थोड़ा यार और इधर खिसका देता हूँ। अब चलिए चलते हैं अपन एंड आग लेके आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भाई इतने दिनों की मेहनत, इतने सारे वीडियोस के बाद ये इविलन क्या करे बेचारी। ये भी एक तरीके से दोस्तों, ये बच्चों से तो बहुत प्यार करती थी लेकिन ये सैटन के चक्कर में पड़ गई एंड इसका पूरा दिमाग ख़राब हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, शैतान की ये पूजा करने लगी और इसलिए ये जो है पागल हो गई एंड बच्चों को भी ये परेशान करने लगी। तो यही सारी प्रॉब्लम हुई, पर ये शुरू में बहुत अच्छी थी, अब कुछ कह नहीं सकते, अब तो खैर सही भी नहीं होगी। तो हमने आग जला ली है इस वाले डंडे में एंड इसे लेके जा रहा हूँ मैं। इस आग को मुझे जल्दी पहुँचाना होगा क्योंकि देखिए डंडा ऊपर से जलता जा रहा है एंड आग नीचे बढ़ती जा रही है। तो यार उससे पहले देखिए, इविलन पूरी कोशिश कर रही है उधर आने की लेकिन आ नहीं पा रही है। और इस बच्चे को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, हट जाएगा चलिए अपने आप। तो अब सबसे पहले आग डालना मेन है यार, क्योंकि आग बुझ जाएगी एंड ये हवा भर गई इसमें। ये बच्चे को नीचे उतारते हैं, ये उतर गया नीचे। देखिए क्या क्रिएटिविटी थी, आप देख रहे हैं हॉट एयर बलून हमने यहाँ पर बना लिया है ताकि हम सब बच्चों को ले जा सकें। अब इस बच्चे के पीछे मुझे चलना पड़ेगा, तभी जाके ये जो है अंदर जाएगा। तो चलिए भाई वन बाय वन, हम वो हाथ का इशारा कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। तो चलिए फटाफट से अंदर चलते हैं। क्राफ्टर्स बॉय भी यहाँ पर बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है यार। तो चलिए अंदर चले गए, बाकी को इनको सबको अंदर जाना होगा। तो सारे लोग जा रहे हैं, इसकी समझने में नहीं आई मेरे को यार, ये कौन है ये लंगड़ा आदमी जिसने हमारी इतनी मदद की। तो यहाँ पर बच्चे सारे के सारे एक साथ घुस गए हैं, देखिए क्या एक्शन कर रहा है, ये हंस रहा है क्या कर रहा है भाई समझ। देखिए सारे के सारे बच्चे एक साथ घुस गए हैं भाई, एक कर करके घुसो यार, उसमें कैसे समाओगे अंदर। ये एक बच्चा फंस गया, चलिए अब निकल गए हैं। तो जल्दी करो यार, ये मिलना आ जाएगी, जल्दी चलो भाई अंदर, चलो जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट। तो मैं भी अंदर आ गया हूँ यार, और तुम दोनों लोग भी आ जाओ भाई जल्दी से अंदर। तो ये दोनों लोग भी आ गए एंड दोस्तों यही था यहाँ का एंड। यार इतना मज़ा आया आप लोगों के साथ, तो यार बहुत बहुत थैंक यू। और देखिए क्या होता है, वही विलन आ गई भाई नीचे से, बच गए भाई बच गए। तो हमने यार बचाया इन बच्चों को, देखिए ये है विलन एंड ये है लास्ट सीन ऑफ दी विलन, द एंडिंग ऑफ ई विलन। तो ये रूम था मेरा अर्पित दिस, अब ये इविलन पता नहीं क्या कर रही है यहाँ। तो यार देखते हैं, तो देखिए इविलन दोस्तों पागल हो चुकी है, ये अपने हथेड़े को ही अपना बच्चा समझ रही है एंड इस नीली आंखों वाले इंसान ने हमें बचाया था यार, बहुत बहुत थैंक यू। अब मेरा नाम यहाँ से हट चुका है धीरे धीरे, ये वो बच्चा टेढ़ी गर्दन वाला जिसे यार हमने निकाला यहाँ से। तो यार आप सब लोगों के सपोर्ट की वजह से ये हो पाया। तो यार आज के लिए अर्पित दिस पर इतना ही, हंसते रहिए खुश रहिए एंड देखते रहिए अर्पित दिस। ये सारे बोर्ड वोर्ड जितने भी नाम थे यार सारे के सारे हट गए। तो यार यही था आज के वीडियो में एंड अगर नेक्स्ट वीडियोस और मिलेंगे तो मैं बनाऊंगा। तो केपलर INS गेम्स बहुत अच्छा बनाया, बाय बाय एंड टेक केयर।